हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज बनाने जा रही हूँ मैं बेसन की सब्ज़ी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक कटोरी बेसन लिया है और यहाँ पर मैंने लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर ली है। तो देखिए, मैं इन प्याज को भी काट लेती हूँ और टमाटर को भी, और बेसन में कुछ मैं ये मसाले ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची ली है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक। तो देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। तो हमारे यहाँ इस सब्ज़ी को बेसन का मिंजा बोलते हैं। तो मैं ये बेसन की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। अगर आपके घर में कभी कभी होता है कोई सब्ज़ी नहीं होती है तो नई सब्ज़ी बनाने का मन करता है, तो देखिए यहाँ पर आज घर में कोई सब्ज़ी नहीं थी तो मैं बेसन की सब्ज़ी बना रही हूँ। इसको ऐसे ही करना है, अपने हाथों से हल्का हल्का पानी डालकर बिल्कुल अपने हाथों में, और इसको आटे की तरह गूंदना नहीं है, बिल्कुल मतलब इसको ऐसे ऐसे ही रखना है करके, जिस तरह देखिए मैं कर रही हूँ यहाँ पर। और ये देखिए, मैंने अपने हाथों से इसे मथा नहीं है और बिल्कुल मैंने इसको ऐसे नहीं करना है इसको। ये देखिए, मैंने इसको तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं इसे मैंने किस तरीके से करा है। तो ये बहुत आसान सब्जी है और बहुत जल्दी बनकर भी तैयार हो जाती है, कम 15 से 20 मिनट लगते हैं सब्जी को बनाने में पूरी रेसिपी को। तो देखिए, मैंने लहसुन को इसके अंदर डाल दिया है, लहसुन को पीस लेंगे और अब इसको मैं तेल में फ्राई करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है और तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। और देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है और मैं अब इसको इसमें डाल रही हूँ। तो देखिए, मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया और इसको अच्छा सा पका लेना है तब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, अच्छी सी बेसन की खुशबू ना आने लगे तब तक। तो देखिए, यहाँ पर हमारा बेसन है जो हम अच्छे से पक चुका है, देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। और अब इसे मैं दूसरे बर्तन में निकाल ले रही हूँ। तब तक मैंने प्याज और टमाटर भी काट लिया है। तो देखिए, आप इसे ऐसे कंचली जो ली है मैंने, झाड़ने वाली ली है, सुराख वाली, और इसको अच्छे से निकाल लेना है। तो देखिए, हमारी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल बचा है और मैं इसमें और डाल रही हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर तेल कम ही यूज करना है क्योंकि वो बेसन में तेल डाला है। यहाँ पर मैंने प्याज लंबे लंबे करके काटे हैं, आप चाहे तो इसे बारीक भी काट सकते हैं। तो देखिए, मैंने प्याज को डाल दिया और साथ ही मैं लहसुन को डाल दूंगी इसके अंदर और इसे अच्छे से पकने देना है 2 मिनट के लिए। तो लहसुन के अंदर मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला था और इसे अच्छे से पका लेना है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे लगभग 1.5-2 मिनट हो चुके हैं। तो मैं टमाटर और हरी मिर्ची को डाल दूँगी इसमें। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ये धनिया पाउडर मिला दिया था यहाँ पर बेटे ने, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, पका लेना है 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर नमक स्वाद की रिकॉर्डिंग डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा, तो मैंने बेसन में भी डाला था नमक, इसलिए यहाँ पर कम ही यूज करना है। देखिए, यहाँ पर हम टमाटर अच्छे से पक जाएँ 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर पक गए हैं टमाटर और अब इसमें और मसाले ऐड कर लेने हैं। यहाँ पर हमने मसाले देखकर यूज करने हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाला है। तो मैं इसे थोड़ी चटपटी सी सब बना रही हूँ सब्ज़ी, क्योंकि इस सब्ज़ी को थोड़ा सा चटपटी बनाए तो अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि सूखे मसाले हैं तो अच्छे से पक जाए, और जो ये टमाटर है और प्याज है ये
अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए यहाँ पर कम फ्लेम पे मैंने आधा मिनट के लिए पका लिया इसको, और अब इसमें डालूंगी मैं इस बेसन को। तो देखिए यहाँ पर इसमें थोड़ा सा तेल रह गया था, तो इसलिए मैंने ये लहसुन और टमाटर भुना था तो कम तेल डाला था। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि इस सब्ज़ी को थोड़ा सा चटपटी बनाए तो ही अच्छी लगती है ये। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसमें पानी को ऐड करूँगी। देखिए यहाँ पर मैंने उसी बर्तन में पानी डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैं पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालूँगी क्योंकि ये बेसन है बाद में फूल जाता है, और इसमें तरी है जो बिल्कुल ये अंदर सोख लेता है, तो मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा ही पानी डाला है मैंने। देखिए आप देख सकते हैं ज़्यादा इसलिए डाला है क्योंकि ये बेसन बाद में फूल जाएगा। और अब मैं इसका ढक कर रख देती हूँ, एक उफान आने पर इसे कम फ्लेम पर पकने देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ढक कर रख दिया है, और यहाँ पर हमारा उफान आ गया था और मैंने कम फ्लेम पर इसे पका लिया है। देखिए यहाँ पर, और ये सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने इसे बीच बीच में को देख लिया था, तो इसे मैंने 5 से 7 मिनट के लिए पकाया है इस सब्ज़ी को। देखिए यहाँ पर, क्योंकि बेसन को तो हमने फ्राई कर ही लिया था। देखिए आप चाहे तो इसे 2-3 मिनट के लिए और पका सकते हैं। तो मैंने अभी इसे थोड़ा सा और पकाया, और मैं साथ ही यहाँ पर रोटियाँ बनाने लगी थी। तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ी सी तरी रखी है मैंने सब्ज़ी में, क्योंकि ठंडी होती है सब्ज़ी तो और पानी को सोख लेती है, बेसन की सब्ज़ी में ऐसे होता है। तो मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हमारे चैनल पर जाइए और अच्छे अच्छे रेसिपी वीडियो देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।